हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लेटेस्ट किटी पार्टी गेम्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्टिविटी गेम लेकर आई हूँ। ये 1 मिनट गेम है फ्रेंड्स। जैसे कि मकर संक्रांति आने वाली है, तो उसी से रिलेटेड मैं एक गेम लेकर आई हूँ। आप अपनी किटी पार्टी या फिर कोई भी अगर फैमिली पार्टी रख रहे हैं तो उसमें इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अपनी किटी में संक्रांति की थीम रख रहे हैं तो उसमें भी इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नो प्रिपरेशन गेम है। इसमें 1 बाय 1 मेंबर आएगा और गेम को इंडिविजुअली खेलेगा। फ्रेंड्स, बहुत मजा आता है इस गेम को खेलने में। आपको सिंपल ये ग्लासेस है, ये ले ली है मैंने। एक पे मैंने हैप्पी लिखा, एक पे मकर, एक पे संक्रांति। और इस गेम को खेलने के लिए हमें कुछ कॉइन्स या चने, राजमा या फिर एक डाइस की जरूरत पड़ेगी। बस यही इस गेम की प्रिपरेशन है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं जल्दी से गेम का डेमो देके बताऊंगी गेम हमें कैसे खेलना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं हैप्पी मकर संक्रांति जरा सा इधर कर देती हूँ फ्रेंड्स, यू इस तरीके से कर देती हूँ। ये आप देख सकते हैं चने राजमा ले रखे हैं, लेकिन आपके पास जो भी चीज अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। और एक डाइस की जरूरत पड़ेगी। अब इस गेम को कैसे खेलना है मैं आपको बताती हूँ। वीडियो फ्रेंड्स पूरी देखिएगा, क्योंकि इस गेम में एक ट्विस्ट भी है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि अगर 1 नंबर आएगा तो आपको हैप्पी पे एक कॉइन, मतलब एक चना रखना है। अगर आपका 3 आएगा तो आपको मकर पे रखना है, और आपका 5 आएगा तो आपको संक्रांति पे रखना है। मतलब तीनों ऑड नंबर लिए हमने डाइस में से, 1, 3 और 5। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरा 4 आया तो मुझे कुछ नहीं, 3 आया तो 3 पे हमने मकर पे रख दिया। मेरा 2 आया, 5 आया मैंने संक्रांति पे रख दिया, 5 आया मैंने एक और संक्रांति पे रख दिया, फिर से 5 आया मैंने एक और संक्रांति पे रख दिया, फिर से 5 आया फ्रेंड्स मेरा एक और संक्रांति पे रख दिया, 1 आया मैंने हैप्पी पे रख दिया, 6 पे हमें कुछ नहीं रखना, 1 पे मैंने हैप्पी पे रख दिया, 6 पे हमें कुछ नहीं रखना है, 2 पे भी कुछ नहीं रखना, 2 पे भी कुछ नहीं रखना, 1 आया है तो मैंने हैप्पी पे रख दिया है, 3 आया तो मैंने मकर पे रख दिया है। आप ये 30 सेकेंड्स का भी कर सकते हैं, 1 मिनट का भी कर सकते हैं। फिर से मेरा 3 आ गया, मैंने मकर पे रख दिया, मेरा टाइम भी स्टॉप होने वाला है। यहाँ मेरा 5 आया है, 6 पे हमें कुछ नहीं करना, 1 पे मैंने हैप्पी पे रख दिया, 1 पे मैंने हैप्पी पे रख दिया, 5 पे मैंने संक्रांति पे रख दिया, ये 2 पे मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि इवन नंबर है, 3 पे मैंने मकर पे कर दिया। यहाँ पे मेरा टाइम भी हो जाता है स्टॉप। तो आप देख सकते हैं मैंने तीनों ऑड नंबर लिए थे इसके डाइस के। 1 पे मैंने हैप्पी पे रखा था, और 3 पे मैंने मकर पे, और संक्रांति पे मैंने 5 पे। अब मैं इसको कर दूंगी साइड से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा इस गेम में एक ट्विस्ट है, तो मैं आपको ट्विस्ट बताऊंगी इसके हमें टोटल कैसे काउंट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हैप्पी पे मेरे हैं 1, 2, 3, 4, 5। इस पे है मेरे 1, 2, 3, 4। इस पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे तो मेरे थे 5 पॉइंट्स। तो हमें क्या करना है, इसका हमें पेयर बनाना है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे मेरे मकर पे 4 है, तो मैं इसमें से एक निकाल दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे 4 है तो यहाँ पे भी मेरे 4 रहने चाहिए। तो एक मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें से भी मुझे 4 ही रखने हैं, मैं निकाल दूंगी चाहे मेरे इसमें कितने भी आए हों। तो ये मेरे 4 इस पे हो गए। तो आप देख सकते हैं, अब 4 का हमारा एक हैप्पी मकर संक्रांति, एक पेयर तो मेरा ये बन गया, एक दूसरा पेयर मेरा ये बना हैप्पी मकर संक्रांति 2, और एक ये बन गया 3, और एक ये बन गया 4। इस तरीके से मेरे 4 पेयर बने हैं, जिसके कंप्लीट कंप्लीट पूरे आप माने, अगर यहाँ पे मेरे 2 होते, यहाँ पे 4 4 होते तो मेरे 2 ही पॉइंट माने जाते हैं। मतलब पूरा बनना चाहिए आपका हैप्पी मकर संक्रांति, तो तीनों पे होना चाहिए तभी आपका एक पॉइंट काउंट होगा। तो इस मेरे नाम के आगे 4 पॉइंट्स लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से एक मेंबर आएगा, हर ऑड नंबर पे 1 पे हैप्पी पे, 3 पे मकर पे और 5 पे संक्रांति पे रखना है। जिस भी मेंबर के सबसे ज्यादा पेयर बनेंगे, मतलब पूरा ये बनेगा हैप्पी मकर संक्रांति, वो हमारा गेम का विनर होगा। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।